ओके तो एफ इक्वल टू म्यू इनटू क्या लिखूं बच्चे, एफ इक्वल टू म्यू इनटू क्या लिखूं यहाँ पे, एन, दैट इज राइट. व्हाट इज एन मींस? सो नॉर्मल रिएक्शन. एंड नॉर्मल रिएक्शन अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू व्हाट? सो परपेंडिकुलर रहता है सर नॉर्मल और सो सरफेस. हां लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट अगर बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो? सो इक्वल टू वेट. वेट इक्वल टू वेट. चलो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम नंबर ओके आप ऐसा करो जीतू बेटा ये पहला प्रॉब्लम क्या है मेरे में 102 है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक सेम है ना. तो चलो लिखो वो वाला प्रॉब्लम की जगह छोड़ो, जगह छोड़ो प्रॉब्लम की. पेज 102 पॉइंट कितना पेज नंबर बेटा? सो पेज नंबर 227 मतलब पेज नंबर सॉरी प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर प्रॉब्लम नंबर 102 पेज नंबर 227 डेटो पहले करेंगे हम लोग. डेटो वी लिखेंगे टू फाइंड और फिर करेंगे सोल्यूशन. फिर क्या करेंगे सोल्यूशन. ओके मैं चाहता हूं प्रॉब्लम पढ़ेगा कोई नया. कोनन भी आ गए, प्रिशा भी आ गए. वाओ वाओ कोनन कोनन. हाँ सर. क्यों नहीं आई तुम? सर मैं नानी के इधर तो मेरा नेट नहीं चल रहा था. अभी भी नहीं चला है फिर भी हॉटस्पॉट लेके मैंने ऑन की क्लासेस. और प्रिशा शेट्टी आप क्यों नहीं आई? प्रिशा शेट्टी प्रिशा तो चलो ओके बेटा जरा रीड करो. अफीफ रीड कर. The coefficient of static friction between a block of mass 0.25 kg and a horizontal surface is 0.4. Find the horizontal force applied to it. Block of mass. Mass 0.25 kg. मुझे कितना force apply किया? Block में diagram की जरूरत नहीं लेकिन बताऊंगा तो it will become clear to you. ये ब्लॉक मास तो वेट कितना होगा? वेट एनीबॉडी अगर मास 0.25 तो वेट कितना? एनीवन 0.25 into 9.8 व्हाट इज द यूनिट? यहां पे मैं न्यूटन है ऐसे लिख देता हूं सो दैट यू नो एन एन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा. और ये क्या बेटा? ये क्या है ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ये लोग ये फोर्स पूछ रहे कि कितना फोर्स अप्लाई करे. यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ पे एनीवन एफएस देम यू एग्री एग्री और नॉट एग्री और नॉट सिंस ब्लॉक डज नॉट therefore p equal to क्या लिखो? मैं प्रॉब्लम बताता हूं. आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. एक था ब्लॉक 0.25 केजी का एक सरफेस पे रखा हुआ था जहां पे की म्याउनेस की वैल्यू 0.4 थी. तो यहां पे कितना फोर्स क्या पूछा है इसने? एक मिनट. फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट. कितना फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे? रिमेंबर वन थिंग कुछ बोला ना अपने बॉडी पे मूवमेंट नहीं होता है सो दैट बॉडी इज नॉट मूविंग. तो हमने क्या किया? ब्लॉक का डायग्राम बनाया. इसका वेट इज mg 0.25 टू 9.8 न्यूटन. ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स अप्लाई, ये स्टैटिक फ्रिक्शन. तो टेल मी p मस्ट बी इक्वल टू ब्लॉक मूव नहीं कर रहा मतलब p की वैल्यू इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हिच mg n या fs या क्या है? p इक्वल टू क्या लिखूं? p इक्वल टू क्या लिखूं? अरे टर्न तो बोलो यार. दिस जैसे वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे p इक्वल टू व्हाट? बॉडी मूव नहीं कर रही है. हाँ सर fs
ऐसे तो फिर अच्छा व्हाट इज म्यू का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट म्यू इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट सर एफ एस अपॉन एन एफ एस अपॉन एन तो टेल मी व्हाट इज एफ एस इक्वल टू क्या लिखूं तो म्यू एस इनटू एन म्यू एस इनटू एन बट टेल मी एन इक्वल टू व्हाट यहां पे बताओ एन इक्वल टू व्हाट W. नॉर्मल एक्शन हम ये बॉडी नीचे क्यों नहीं घुस जाती ये बॉडी वेट के कारण नीचे क्यों नहीं घुस जाती तो वेट तो n इक्वल टू w तो कह रहे दिस इज μs इनटू w दैट इज μs इनटू w के बदले क्या लिखूं और मिला mg μs कितना है 0.4 मास कितना है 0.25 g कितना है 9.8 इसको टक 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 मल्टीप्लाई करो You will get the answer. I think 0.98 again. Yeah, answer. 0.98 Newton. Perfect answer. समझ में आया कि नहीं आया एक बार और रिपीट करूं ना आई थिंक यू रिक्वायर रिपीटिशन एक बार फिर से आपके सामने देखो ये रहा पहले डायग्राम डायग्राम बनाने की जरूरत है लेकिन क्या डायग्राम बनाने से चीजें एकदम आसान हो जाती है इसका वेट नीचे नॉर्मल फ्रिक्शन ऊपर फोर्स अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेंबर बॉडी इज नॉट मूविंग मतलब एन मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू P must be equal to Fs. These and these are equal. These and these are equal. All right. Then W ka formula kya hai? Mg. M is 0.25. G is 9.8. Since block does not move, therefore these are equal. So P equal to Fs. But μs ka formula abhi dekha humne kya tha? Fs upon n. So Fs ke badle maine likh diya cross multiply karenge. So μs into n. But n is equal to W. Kyunki these two are equilibrium. मतलब this downward force is balanced by upward force. μs की μs w is mg weight is mg. μs की value m की value g की value q q q substitute करो. 0.25 into 0.4 is 25 चौका 100. So you know this comes to be 0.01. 0.1. 0.1 को 0.9.8 से multiply करेंगे तो 9.98 newton आता है answer. That's the answer. और 0.98 newton जब पूरा लिखना है ना तो don't write Like this, ये wrong है. Newton capital से नहीं लिखने का. Newton जब पूरा लिखना है तो small से लिखने का. Symbol लिखना है तो इससे लिखने का. इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे. In the very first chapter, when we start, I may start today. उसको बोलेंगे measurement chapter का नाम है. तो ये ध्यान रखना. अब लोग कोई maths का ये English का champion होगा ना वो बोलेगा sir name of a person is to be written with capital answer. आपने small and क्यों लिखा? So that is a rule. You have to write small, which I'll discuss. ये copy कर लिया कि आगे बढ़े कि क्या करें एक बार और repeat करें. Dear students. So copy करते हैं. Copy कर चुके हो आप लोग कि copy कर रहे हो क्या करना है मुझे बताओ. नहीं तो मेरी आदत है फर मिटा देने की. जगह छोड़ते जाओ प्रॉब्लम की सो दैट यू कैन लेटर ऑन कॉपी फ्रॉम द बुक ओ बच्चे लोग मिटाऊं कि क्या यस सर ओके इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की और वो है 103 विल बी रेड बाय रोशनी A block of mass 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3. Find out the least force required to just move the block horizontally. Okay. Ek tha block 37 kg ka. Mujhe koi batayega weight kya likhu? Anyone? Yahan kya likhu weight?
क्या लिखा जाए वेट बच्चों? 37 × 9.8 लवली। यहां क्या बताऊं, यहां पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स राइट। ये लोग बोलते हैं कितना फोर्स लगा है कि ये मूवमेंट चालू करते हुए टू फाइंड पी, मास इज गिवन 37 kg, μs is given 0.3 और g के वैल्यू तो समझ लो 9.8 दी जाती है। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ देखो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क, एक था ब्लॉक 37 kg का, म्यू दिया हुआ है, जी के वैल्यू दिया है, कम से कम कितना फोर्स लगा है कि बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बट इट इज नॉट स्लाइडिंग, कितना फोर्स लगा है कि इट इज रीचिंग टू द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब धीरे से चलने की तैयारी लेकिन चल नहीं रही है। और मुझे ये प्रॉब्लम बताएगा भार्गेश। Yes, भार्गेश हाँ बोलो। There is a block of mass of 37 kg. The mu is given. So we have to find the force to require to move the block. That is right. Very nice. मुझे बताओ from figure n equal to कितना लिखूं? Normal friction equal to कितना लिखूं? अरे नॉर्मल एक्शन इक्वल टू क्या, ये दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द बॉडी नीचे की ओर गिर जा रही है, एन इक्वल टू व्हाट सर? डब्ल्यू वेट एंड दैट इज mg एंड दैट इज इक्वल टू 37 × 9.8 न्यूटन। ओके टेल मी, सिंस ब्लॉक डज नॉट मूव देयरफॉर p मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ये क्या, ये फोर्स किसके बराबर होगा? सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक दैट इज fs, और fs का फार्मूला क्या है? fs का फार्मूला क्या है? μs इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट? सो fs का फार्मूला क्या है सर? μs इनटू n, दैट इज राइट। μs इनटू, वेरी गुड। एंड μs कितना है? 0.3। n कितना है? mg, पर एन तो ऊपर लिखा है ना, वही डाल देता हूँ सीधा वैल्यू, इनटू 37 × 9.8। खलास वेरी सिंपलीफाई, यू विल गेट द आंसर। ये आंसर आवेगा 58.8 न्यूटन। सर 108.8। एक मिनट, मैंने क्या लिखा? 108.8। यस यस वेरी गुड मार्ज, क्योंकि ये होता है इसको 10 पकड़े तो 370 इनटू 0.7 हैज टू बी समथिंग मोर देन 100। ओके मैं चाहता हूँ 106 और 107 में से कोई भी एक करते हैं। चलो 106 करते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। 106, इसके बाद 105 को होमवर्क ले लो और 106 करते हैं। ये मिटाए दो बच्चे, प्यारे बच्चों। यस सर, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। विधि, आलोक, नो सर, समझ में आ रहे हैं सभी को? यस सर, यस सर।
इसके बाद आज मैथ्स के दो लेक्चर हैं, ध्यान रखना। अभी थोड़ा हम लोग पोर्शन चलाएंगे जिससे तुम लोगों के एग्जाम तक काफी अच्छा कवर कर सके। ऑलराइट, मैं भी मेरा विचार है दो दो लेक्चर लेंगे हम लोग। मैथ्स और फिजिक्स में कम से कम दो लेक्चर चलने देते हैं। ओके, इसके बाद 106 पढ़ के दिखाओ। मैं बताऊं कौन पढ़ेगा इस बार? माज, माज, माज पढ़ो। सर 106 ना? हाँ। A body of mass 37 kg rests on a rough horizontal surface. The minimum horizontal required to just start the motion is 68.5 newton. In order to keep the body moving with constant velocity, a force of 43 newton is needed. What is the value of coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction? बहुत अच्छा। मुझे एक बात बताओ, पहले प्रॉब्लम बता दो, आई एम गोइंग टू आस्क यू देन। मुझे प्रॉब्लम पूछना है कि बता प्रॉब्लम क्या है। एक थी बॉडी, उसका था मास 37 kg। अब उसको खींच रहे चलाने के लिए 68.5 न्यूटन पे ऐसा पता चला कि वो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, धीरे धीरे खिसकने की तैयारी कर रही है। ऑलराइट, और फिर अल्टीमेटली 68.5 पे उसको खींच लिया, थोड़ा सा बढ़ाया होगा, खींच लिया और चलने लगी बॉडी। फिर मालूम पड़ा कि अब ये ना इतना इसकी जरूरत नहीं है, 43 न्यूटन पे ही चला सकते हैं उसको, धीमे 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 चल रही है। कितना फोर्स लगाना पड़ा? 43 न्यूटन। तो लोग बोलते हैं म्यूएस कितना, म्यू के कितना, म्यूएस और म्यू के की वैल्यू पूछिए। म्यूएस क्या है बेटा? आलोक, व्हाट इज म्यूएस मींस? आलोक, यस सर, म्यूएस का मतलब क्या? तो सो म्यू ऑफ स्टैटिक एनर्जी। एनर्जी नहीं बेटा, फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के क्या है कोनन? म्यू के क्या है कोनन? कोनन, कोनन कुरेशी। अरे हेड के लेक्चर के बीच में, हाँ है कोनन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है इसका नाम? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज राइट। अब है ना, हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ऐसे, 68.5 न्यूटन पे इज नॉट मूविंग, तो कहने से एफ एस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 68.5 न्यूटन। एंड व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन? एम जी, एम कितना है? 37 into 9.8, ये हो गया so many newton. And what is μs का formula? μs का formula क्या है? What upon what? Fs upon n. That is right, Fs upon n. Fs is nothing but equal to Ps, n is nothing but mg. तो Ps कितना है? 68.5. Mass कितनी है? 37 into 9.8. When you simplify this, you will get the answer. Answer will be equal to 0.1889. चलो ये वाला पार्ट अपने आप करो, न्यू के का पार्ट अपने आप करो, मैं देखना चाहता हूं who will do this part. मैं कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बुक से नहीं लेता हूं, मैं अपना सोल्यूशन खुद करता हूं। Yes. कैसे करेंगे? थोड़ी देर के इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन दैट इज इक्वल टू 43 न्यूटन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लोग ने दिया 43 न्यूटन पे चल सकते हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज 43 न्यूटन। n का वैल्यू तो सेम है, and what is the formula for mu k?
43, m कितना है 37 into 9.8. Very simplified, you'll get the answer. Mu के की आंसर है 0.1186. इसके बाद 107 यू विल डू एज होमवर्क. 107 यू विल डू एज होमवर्क. नाउ वी आर कमिंग टू, ये कॉपी कर लिया है कि तो मिटाऊ, नहीं तो नहीं मिटाऊ. नो सर, कॉपी नहीं किया. ओके, कॉपी कर लो. मिटा दूं? ओ माज, यस सर. ओके ओके, तो ये चैप्टर का हो गया अंत, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंटायर फिजिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड. जनरली मैं हर साल इस चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ. पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करता हूँ वो ये है, लेकिन इस साल मैंने डिले इसलिए किया क्योंकि अभी तक कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुए और ये सब कॉलेज स्टार्ट होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? हू कैन टेल मी नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट, टाइटल लिखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखो टाइटल. सब लोग नया पेज से स्टार्ट करो. पेज वो एक प्रॉब्लम जो बोला उसके लिए जगह छोड़ो और नए पेज पे लिखो. Units and measurements. Units and measurement. Likha? Pehle bachcho. Title likha. और बाजू में लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाल में लिखो. और इस चैप्टर का एक एक लाइन में बोलूंगा बॉल. एक एक लाइन बोलूंगा बॉल. एवरीबॉडी हैज टू बी अटेंटिव. ऑनलाइन में ऐसे बैठ के आराम से सो जाते हैं, बोलते बोलने दे इसको कुछ भी. फिर नाम आएगा तो आपकी नींद खुलती है. ओम मिस्त्री जैसे जागता है कभी कभी, बोलते अरे सर ने मेरे को बुलाया क्या है, माजरा क्या नहीं आता होगा, तो चुपचाप बैठे रहते हैं. ओके, एवरीबडी बी केयरफुल. टाइटल लिखो, खाली टाइटल, छोटे सा टाइटल लिखो, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी. और फिर मेरी बात सुनो. अब सुनो, हाँ, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में पहले तो होता है हीट आता है, साउंड आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर मैग्नेटिज्म आता है. ओके, बहुत सारे अंदर फैक्टर, ऑप्टिक्स आता है, यू नो, लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इतने सारे लफड़े हैं फिजिक्स पढ़ते टाइम. राइट, जनरल फिजिक्स यानी ये सब टॉर्क मोमेंट ऑफ कपल एंड ऑल दैट कम्स. रिमेंबर फिजिक्स, वट एवर यू आर डूइंग ऑप्टिक्स के टाइम पे, यू नो, वी मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हीट के टाइम पे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं. ऑलराइट, साउंड के टाइम पे वेलोसिटी ऑफ साउंड और सो मेनी अदर. तो रिमेंबर इन वॉट एवर वी डू वी कीप डूइंग. एनीबडी कैन टेल मी वी कीप डूइंग व्हाट? ये सब मैंने एग्जांपल दिया था, वी कीप डूइंग व्हाट? हु कैन टेल मी, हु कैन पिक अप दैट वर्ड? मेजरमेंट. यस यस, हु सेड दैट? हु सेड दैट? भार्गव. वेरी गुड, वी कीप डूइंग मेजरमेंट्स. बहुत अच्छा आंसर है. आई रियली लव योर आंसर.
अब ये सब क्यों करता हूँ मालूम है, अब मेजरमेंट सब बच्चों को याद रहेगा, बोला भार्गव ने बोला मतलब मेजरमेंट ही बोलना था, मैंने क्यों नहीं बोला ऐसा, मैं तो करता था। तो रिमेंबर फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इन एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू मेजर वेरियस क्वांटिटीज, ऑल ऑफ यू एग्री, कभी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, कभी हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेजर करते ही रहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज, various quantities, remember any quantity that can be measured is called a physical quantity, any quantity that can be measured is called a physical quantity, okay. Conan, what is the physical quantity? Conan Qureshi, Alok, what is physical quantity? Alok? Hello. Yes, Alok. What is physical quantity? Sir, मेरा फोन हैंग हो रहा है तो सब बीच बीच में आवाज सुनाई दे रहा, बीच में नहीं दे रहा सर, समझ नहीं आ रहा। रोशनी, what is the physical quantity? Any quantity that can be measured is known as physical quantity. But simple, चलो लिखो मेरी बात, इतनी लिखो, ऐसा लिखो, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, फुल स्टॉप। इन एक्सपेरिमेंट्स, सर कैन यू रिपीट, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, फुल स्टॉप। In experiment, we have to measure various quantities. In experiments, we have to measure various quantities. Full stop. Full stop. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. Can anybody give me example of physical quantity? Anyone? कुछ भी एक एक फिजिकल क्वांटिटी बोलो, द वन विच कैन बी मेजर्ड, एक फिजिकल क्वांटिटी बोलो जो मेजर कर सकते हैं हम लोग, ऐसा एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, मास, टाइम, कितनी सारी क्वांटिटी, बहुत सारी, टेम्परेचर और जाएंगे तो डेंसिटी, वॉल्यूम, then velocity, then acceleration, then force, then momentum, then kitne sare power, all these are what? Physical quantities. All right. Actually, physical quantities are of two types. Aisa likh do, these are of two types. These are of two types. Anybody knows which two types? Shayad school mein padha ho tumne, ICSC, CBSC, wagaira, kidhar, kidhar. Which are two types? Bolo, pyare bachcho. Which are the two types? There are two types. First type is fundamental quantity and second is derived quantity. Aisa likho, these are of two types. Number one. Fundamental quantities and number two is derived quantities. Fundamental quantities and derived quantities. Okay. अब मैं बताऊं, can you see question number 5? जीतू,
जी तुम मेरे में क्वेश्चन फाइव है तो यहाँ पे व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाला आंसर है फिर हाँ बस वही वही और स्टेट टू के बदले थ्री एग्जांपल्स लिखो थ्री एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर देयर एसआई एंड सीजीएस यूनिट एसआई सीजीएस यूनिट सुना है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ओ बच्चों तो सुना है ना तो खाली ये क्वेश्चन टू के बदले थ्री एग्जाम्पल्स लिखना स्टेट टू एग्जाम्पल्स के बदले थ्री एग्जाम्पल कॉपी करो इतना क्वेश्चन ओके आंसर डायरेक्टली पढ़ो आंसर पढ़ो डायरेक्टली रीड करो जीतू सो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट दैट इज दे कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी देखो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी उसका मेजरमेंट कर रहे हैं किसी और पे डिपेंड नहीं करते खुद है अपना मेन है वो उसके ऊपर जैसे मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ मेजर करना है यहां से यहां तक का लेंथ विल आई डिपेंड ऑन समथिंग एल्स एक्सेप्ट द लेंथ इटसेल्फ मतलब यहां से मैं फुट पट्टी रखूंगा यहां तक लेके आऊंगा बोलूंगा 88 सेंटीमीटर तो दैट इज व्हाट इज फंडामेंटल सपोज मुझे टाइम मेजर करना है Will time depend on something? Time is independent. Time किसी पे डिपेंड कहाँ समय कभी रुकता नहीं है Time does not depend. Length does not depend. और क्या है Anything else? Which do not depend on any other quantity? Do not depend on it. Do not depend on any other quantity. Mass. Mass of a body is independent. Mass का कोई relation नहीं Mass समझो 5 किलो है तो है It will not depend on any other thing. So, length, mass, time are the best examples of fundamental quantity. अब आप बोलेंगे, sir, दूसरी derived quantity क्या है? Remember, मुझे area measure करना है. Suppose, area. Area measure करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये length measure करना पड़ेगा. Breadth. दो बार ये दो fundamental quantities measure करनी है, फिर उनका multiply करना है, तब जाके area आएगा. मतलब area depends on fundamental quantity. It cannot be calculated independently. See, the area calculate कर दे ये possible नहीं है. Volume calculate करना है तो length into breadth into thickness या height जो भी बोलो ये तीन तीन चीजें measure करनी पड़ेगी. Velocity measure करनी है तो क्या करना पड़ेगा velocity, distance traveled, distance is the fundamental quantity upon time taken which is fundamental quantity. So distance upon time will give me velocity. I hope it's clear. So Fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. Derived quantity depend on fundamental quantities for their measurement. I hope it's clear. Length, mass, time are the best example. Three. Length, mass, time are the best example of fundamental quantity. Derived quantity ke toh kitne saare example hai. Velocity, acceleration, density, momentum, force, work, power. कितने सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट अरे आलोक समझ नहीं आ रहा कुछ भी अरे सभी को नहीं आ रहा समझ में आलोक का मैसेज है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा एक मिनट आलोक बेटा सर सर मेरा फोन भी इसमें सब बाहर निकल जा रहा है उसपे जूम पे से अच्छा इसके लिए ओके तो मैं ना बेटा रिकॉर्डिंग भेजूंगा रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से देखना और कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो क्लास के बीच में मेरे को सर मैं को भी भेज देना अरे मैं ग्रुप में भेजता हूँ ना ओ यूट्यूब पे डाल दूंगा ना फिजिक्स के यूट्यूब पे देख लेना सर लिंक भेज देना यूट्यूब नहीं आता देखना सर आता तो है वीडियो नहीं समझ में आती है कौन सी है अरे लास्ट वाली वीडियो आज की डेट की डालू वो देख तो आती है ना 1 फरवरी चलो ठीक है क्या 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 बोलो प्लीज क्या हाँ माँ सब्सक्राइब करो तुम यूट्यूब चैनल को माज हाँ सर ओ माज बेटा सब्सक्राइब किया है कि नहीं तुमने नहीं सर सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को दबा दो
तो क्या होगा, जैसे ही मेरा वीडियो जाएगा तो सीधा तुम्हारे पास आ जाएगा कि सर ने एक वीडियो डाला है। हाँ सर। बाकी सबने किया है ना सब्सक्रिप्शन कि नहीं किया है? यस सर। ओके, तो ये बाउंसर जा रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आलोक ने मेरे को बोला तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मैं करूँ या नहीं। हाँ क्या सर? अंडरस्टूड। और रोशनी समझ आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। और बाकी लोग भार्गेश? यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? ओके, मेरे को क्वेश्चन पूछो बिंदास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई बोलोगे ना सर बहुत फास्ट जा रहे हो, क्या चल रहा है सर, आप जरा स्लो जाइए, वो भी चलेगा मेरे को। बट जस्ट डू नॉट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आई वुड लव इफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट विद प्रॉब्लम्स एंड टेलिंग मी व्हाटएवर डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग। नॉट ओनली मी, एवरीवन, यहाँ पे बिंदास बातें करो अपनी एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ द कोचिंग क्लास। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा मुझे एक बात बता ना, कौन सी स्मॉल नंबर होगा और कौन सा लार्ज नंबर होगा? कौन सी क्वांटिटीज कम होती है और कौन सी ज्यादा होती है? एकदम ज्यादा फंडामेंटल कम होती है कि डिराइव कम होती है? सर फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑब्वियसली लेंथ मास टाइम और दो चार और है, लेकिन डिराइव तो भरपूर है, भरपूर अनएंडिंग। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर पढ़ो जरा। जीतू So, what are fundamental units? वो वाला है ना सर? हाँ वही वाला। हाँ। The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Length, mass, time. हाँ। Length, mass और time add कर दो ना। Length, mass और time add कर दो। Etcetera के पहले TIME time लिखो। यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है। Length, mass, time, electric current. फंडामेंटल मास लेंथ एक्सेट्रा। अच्छा मास और लेंथ के बाद में टाइम ऐड कर दो, टाइम के बाजू में लिखो सेकंड। सेकंड दोनों में सेकंड है, सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट दोनों सेकंड है। अब क्वेश्चन 9 कॉपी करो। क्वेश्चन 9 जरा पढ़ के बताओ क्या है। सर टाइम और सेकंड दोनों ऐड करने हैं। अरे हाँ, मतलब टाइम और एसआई यूनिट सेकंड, सीजीएस यूनिट सेकंड। कैसे हाँ सर समझ गया ना? और के बाद में उसके बाद में क्वेश्चन 9 कॉपी करो। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव यूनिट्स मत लिखो, खाली व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड स्टेट टू एग्जांपल। चलो दो एग्जांपल लिख दो। अरे यार ये गड़बड़ है। चल खाली एक काम करो ना, मैं बोलता हूँ ऐसे लिखो, डिराइव्ड क्वांटिटी टाइटल लिखो, लिखो द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड